हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस मेडिको। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को रीड कैसे करते हैं। जो मेरे हाथ में ये एक चेस्ट एक्सरे है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसको रीड कैसे करते हैं और रीड करने का क्या तरीका होता है, आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सरे की आवश्यकता क्यों होती है, किस कंडीशन में डॉक्टर हमें एक्सरे कराने के लिए बोलता है, आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे फेफड़ों की काम करने की क्षमता को कम कर देती है या हमारे फेफड़ों को बेकार कर देती है, जैसा कि टीबी, कैंसर, निमोनिया या हमारे फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर अपनी आँखों से फेफड़ों को नहीं देख सकता, क्योंकि जो लंग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर हमें एक्सरे करने की सलाह देता है। एक्सरे से क्या होता है कि जो लंग्स की पूरी फोटो होती है ये एक प्लास्टिक फिल्म के ऊपर आ जाती है और इसमें डॉक्टर देख के पता लगा सकता है कि आपके फेफड़ों में कौन सा रोग हुआ है और उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर सकता है। आज इस वीडियो में आपको चेस्ट एक्सरे रीड कैसे करते हैं, एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे पास ये एक चेस्ट एक्सरे है, ये एक 75 ईयर ओल्ड फीमेल का एक्सरे है और ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। आपकी स्क्रीन पे इसकी रिपोर्ट दिख रही होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। यदि आपका कोई भी ऐसा डाउट हो इस टॉपिक के बारे में या दूसरे टॉपिक के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आनंद सैनी, आप यहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक्सरे एक लैपटॉप पर लगा रखा है, तो इससे लाइट पड़ रही है ऊपर, इसके एक्सरे के ऊपर, तो मैं आराम से ये रीड कर सकता हूँ। और आपको उसके बाद में क्या चेक करना है कि एक्सरे सीधा है या उल्टा है। जैसे यहाँ पर L लिखा हुआ है, तो L का अर्थ है कि लेफ्ट, और इधर कुछ भी नहीं लिखा तो आप समझ जाना कि ये राइट है, तो ये एक्सरे सीधा है, उल्टा नहीं है। और बाद में आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये ब्लैक दिखाई देते हैं एक्सरे पर। नॉर्मल जो लंग्स होते हैं जो एक्सरे पर ब्लैक दिखाई देते हैं, एकदम काले, क्योंकि इनके अंदर एयर रहती है। आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है ये बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है ये नीचे से छोटा होता है, नैरो होता है, क्योंकि यहाँ पर अपना दिल होता है। तो इसलिए जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स होता है तो नीचे की तरफ से नैरो होता है। आपको सबसे पहले ये याद रखना है। जो ये लंग्स का ऊपर वाला पार्ट होता है ये अपेक्स होता है, आपको ये चेक करना है। और उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि लंग्स में कोई सफ़ेद धब्बा तो नहीं है बड़ा सारा, तो ये दोनों लंग्स एक नॉर्मल कंडीशन में है, इनमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि सीपी एंगल, ये नीचे तरफ है, ये सीपी एंगल है, तो सीपी एंगल एकदम अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। यदि इनमें पानी भर जाता है तो ये सीपी एंगल दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी। और ये लंग्स होते हैं डायफ्राम के ऊपर, ऐसे यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो ये लंग्स उस पर टिके रहते हैं। ये बीच वाली आपको दिख रही है यहाँ से, ये हमारी स्पाइनल कोड है थोरासिक, और जो ये वाइट वाइट लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी रिब्स होती है और रिब्स के अंदर ही हमारे लंग्स होते हैं। ये एंटीरियर साइड होते हैं आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ और होती है, 1 2 ऐसे पीछे, ये हमारे पीछे की तरफ होती है, ये हमारी रिब्स होती है। और ये जो बोन आ रही है, जो कैल्विकल बोन होती है, और ये कनेक्ट होती है यहाँ पे, स्टर्नम होता है वहाँ पे कनेक्ट होती है। और ये जो दिखाई दे रही है
ये ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया से ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाती है ऐसे। अब हम बात करते हैं कि आपको ये छोटी छोटी धारियाँ दिखाई दे रही होगी, तो आप ये मत समझ लेना कि ये टीबी के या कैंसर हो या निमोनिया हो। ये निमोनिया भी नहीं है, ये टीबी भी नहीं है, ये कैंसर भी नहीं है। ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ये छोटी छोटी यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। मतलब ब्लड वेसल का मतलब होता है कि लंग्स के अंदर छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं जो हमारे फेफड़ों को ब्लड सप्लाई करती है। जो हमारा दिल होता है ये यहाँ पे लोकेट होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन का एक एक्सरे था, इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती। यदि लंग्स के अंदर टीबी होती है तो टीबी के वाइट वाइट धब्बे धब्बे होते हैं गोल गोल दोनों लंग्स में। इसमें कभी एक फेफड़े के अंदर धब्बे होते हैं, कभी दोनों के अंदर धब्बे होते हैं। सेकंड वीडियो में मैं आपको एक टीबी का एक्सरे दिखाऊंगा, टीबी का एक्सरे कैसे दिखता है उसके बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।